पांच अनाथ विधवा बहुओं की गोद भराई। चेन्नई के एक छोटे से शहर में एक घर के अंदर पांच बहनें रहती थी। वह पांचों अपने माता पिता से कभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अनाथालय में रहने की वजह से वह पांचों एक दूसरे को अपनी बहनें समझती थी। वह पांचों एक छोटा सा स्कूल चलाया करती थी जिसमें वह अनाथ बच्चों को पढ़ाया करती थी। वह पांचों एक ही घर के पांच बेटों से प्यार करती थी। मुझे तो लगता है कि आपकी माँ हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। मैं जानता हूँ मेरी माँ थोड़ी सी खड़ूस है, लेकिन मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपकी माँ ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि तुम पांचों अपनी माँ को जवाब क्या दोगे? मुझे तो लगता है अगर तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता चला तो वह तो तुम पांचों भाइयों को घर से बाहर ही निकाल देंगी। अरे तुम सब एक साथ इन बिचारों को प्रेशर क्यों दे रही हो? उन्हें जरा सोचने तो दो। देखो, मैं माँ को जानता हूँ, वो हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। मैं तो कहता हूँ आज ही हम पांचों को मंदिर में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारी शादी से माँ को बहुत दुख होगा, उनके भी तो कुछ अरमान है। देखो तुषार सही कहता है, अगर हम शादी कर लेते हैं तो माँ किसी न किसी तरह हमारी अनाथ पत्नियों को स्वीकार कर ही लेंगी। वह पांचों मंदिर में जाकर अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वह उन पांचों को शादी करके अपने घर ले आते हैं। जैसे ही उन पांचों को रुक्मणी दुल्हन और दूल्हे के जोड़े में देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे नालायको, तुमने ये क्या कर दिया? अरे कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचते। ये पांचों लड़कियां कौन हैं जिससे तुम शादी करके इन्हें घर ले आए? माँ, ये पांचों हमारी पत्नियां हैं। हम पांचों भाई अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। अगर ये बात हम आपको बताते तो आप हमारी शादी इनसे कभी नहीं करवाती। हाँ माँ, अब गुस्सा मत कीजिए और हमारी पत्नियों को स्वीकार कर लीजिए। माँ, हम जानते हैं कि आपके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अगर आप चाहो तो हम आपकी खुशी के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रख लेंगे। ये सुनते ही रुक्मणी रोने लगती है। तुम पांचों ने तो मेरी सोच से भी बढ़कर काम किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने शादी कर ली तो मैं तुम्हारी शादी की एक रिसेप्शन पार्टी देना चाहती हूँ। एक काम करो, इन पांचों के माता पिता को बुला लेना। माँ, ये पांचों अनाथ है, इनका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। क्या कहा, अनाथ है? हे भगवान, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया! पता नहीं ये पांचों कैसी हैं, इनके संस्कार कैसे हैं। माँ जी, माना कि हम अनाथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदतमीज हैं और हमारे अंदर संस्कार नहीं है। हम पांचों अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं। आप चिंता मत कीजिए, कभी भी हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन हमारे पतियों ने हमें एक माँ दी है और हम आपका आदर अच्छे से करेंगे। बस करो बस करो, अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, अमीर घर के लड़कों को फंसा कर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो तुम जैसी लड़कियाँ। रुक्मणी ऐसी बातें बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उन पांचों को बहुत ज्यादा दुख होता है। टीको, माँ जी को अचानक से एक झटका मिला है, इसलिए अभी वह परेशान है। हमें माँ जी को थोड़ा सा समझा कर चलना होगा। राखी सही कहती है, धीरे धीरे माँ जी सब समझ जाएंगी। देखते ही देखते वह पांचों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद रुक्मणी अपने कमरे में बैठकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, क्या क्या सोचा था मैंने अपने बेटों की शादी को लेकर। मुझे लगा था कि मेरे पांचों बेटों की शादी में खूब सारा दहेज और सोना आएगा, लेकिन यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। ऊपर से यह अनाथ बहू और मेरे पल्ले पड़ गई। रुक्मणी अपनी पांचों बहुओं से बहुत बुरा बर्ताव करती है, लेकिन फिर भी उसकी पांचों बहू उसको कभी उल्टा जवाब तक नहीं देती, और वह पांचों मिलकर यह कोशिश करती हैं कि उनकी सास उनसे ज्यादा समय तक नाराज ना रहे। वह पांचों मिलकर दिन रात अपनी खड़ूस सास की देखरेख में लग जाती हैं। कुछ दिनों में वह पांचों गर्भवती हो जाती हैं, और उसी दौरान उनके पांचों पतियों को एक बिजनेस के दौरान इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम पांचों हम पांचों भाइयों के बिना नहीं रह पाओगी, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं गए तो हमारी ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। बस ज्यादा नहीं, 15 दिन की बात है, फिर हम पांचों वापस आ जाएंगे। बस 15 दिन तक हम अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चों से दूर रहेंगे, वहां से मैं ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा।
वह पांचों भाई मिलकर अपनी पांचों पत्नियों को किसी ना किसी तरह मना लेते हैं, जिसके बाद वह पांचों फ्लाइट से मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद रुक्मणी दिन रात अपनी पांचों बहुओं को जली कटी बातें सुनाने लगती है, लेकिन उन पांचों के अंदर बहुत सब्र होता है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन वह पांचों वापस आ रहे होते हैं। आज तो हमारे पति वापस आ रहे हैं, मैं उनकी पसंद का सब कुछ बनाऊंगी। तभी कृतिका घबराती हुई अपनी बहनों से कहती है, जरा एक बार यहाँ पर आओ और इस न्यूज को देखो। आज के मुख्य समाचार, इंग्लैंड से आने वाला ये एरोप्लेन अचानक से किसी चीज से टकरा गया, जिसके चलते ये एरोप्लेन क्रैश हो गया। एरोप्लेन के अंदर मौजूद सभी व्यक्तियों का देहांत हो चुका है। कृपया लिस्ट में पड़े नामों को पहचान कर अपने जान पहचान के लोगों की डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जाएं। न्यूज सुनते ही उन पांचों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं रुक्मणी भी यह न्यूज सुन लेती है और उसके हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है, जिसके बाद रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने एकदम से मेरी पांचों औलाद मुझसे छीन ली। आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? रुक्मणी अपनी पांचों विधवा बहुओं के साथ अपने बेटों का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद वह दिन रात अपने बेटों के जाने के गम में अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। देखते ही देखते उसकी पांचों बहुओं का 8वां महीना पूरा हो जाता है। एक दिन रुक्मणी की सहेली विमला उससे मिलने आती है। अरे रुक्मणी, तेरी पांचों बहुओं का 8वां महीना चल रहा है, अब तो उनकी गोद भराई का समय आ गया है, तुझे उनकी गोद भराई कर देनी चाहिए। अरे कैसे कर दूं, यहाँ मेरे बेटे मुझसे छिन गए और तुम्हें मेरी विधवा बहुओं की गोद भराई की पड़ी है। जो रीति है उसे तो निभानी ही पड़ेगी, और फिर भगवान का करिश्मा देख तेरे पांच बेटे तुझसे छिने हैं, लेकिन तेरी पांचों विधवा बहू गर्भवती है। शायद उसने तुझसे कुछ छीन कर कुछ दिया ही है, इसलिए जो मिला है उसकी कदर कर। ऐसा कहकर विमला चली जाती है, जिसके बाद रुक्मणी पूरी रात भर सोचती रहती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वह अपने घर पर अपनी पांचों विधवा बहुओं की गोद भराई की रस्म को करवाने की तैयारियों में लग जाती है। अरे इतने दिनों से तो माँ जी के मुंह से मैंने एक शब्द नहीं सुना था, और आज देखो हमारी गोद भराई की रस्म करने जा रही है, कहीं माँ जी सदमे में तो नहीं है? तभी रुक्मणी उन पांचों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो, अपने बेटों के जाने के बाद मैंने तुम पांचों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने पांचों बेटों को सीने से लगा कर पाला था, जब अचानक से वह पांचों मुझसे दूर हुए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन कल मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि तुम्हारे जो गर्भ में संतान पल रही है वह मेरे बेटों की ही है, इसलिए मैं तुमसे अपने सभी गिले शिकवे मिटाना चाहती हूँ। आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटियों की तरह रहोगी। उस दिन रुक्मणी अपनी पांचों बहुओं को पहली बार गले से लगाती है और उन्हें प्यार करती है, जिसके बाद वह अपनी पांचों बहुओं की गोद भराई की रस्म पूरी करती है, और उस दिन के बाद वह अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे मेरी कामकाजी बहुओं, खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, पिछले 15 मिनट से टेबल पर बैठ कर बाट जो रहे हैं। माँ जी ये दोनों ना जानबूझकर देर सांझ बीतने के बाद खाना बनाना शुरू करती हैं। रेवती अपनी दो बहू प्रोमिला और वाणी के साथ आराम से खाने की मेज पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी दो बहुएं धानी और शिवी रसोई घर के भीतर खाना बनाने में उलझी हुई थी। तभी हड़बड़ाहट में धानी का हाथ चूल्हे पर चढ़े गर्मा गर्म तवे से जल जाता है और दर्द के मारे उसके मुँह से चीख निकल पड़ती है, आह माँ। क्या हुआ जीजी? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया। अरे नास पीटियो, आज रसोई घर से निकलने का इरादा नहीं है क्या? शिवी मेरी चिंता ना करो, चलो अगर सासू माँ को समय से खाना ना मिला तो वो बिन बात पर हम दोनों पर बिगड़ जाएंगी। धानी अपने जख्मों को नजरअंदाज करके खाने की परात लेकर मेज पर परोसते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, वो तरकारी 3 तरह बनानी थी ना, इसीलिए जरा समय लग गया। अरे इसे तू जरा सा समय कहती है? पिछले 20 मिनट से बेचारी मेरी दोनों बहुएं भूख से बिलबिला रही है, देख इनका फूल सा खिलता हुआ चेहरा कैसे बेजान और मुरझाया हुआ है। पहले मेरी दोनों बहु वाणी और प्रमिला को खाना परोस। सासुमा खाना मैं परोस देती हूँ, वो रसोई घर में रोटी बनाती वक्त जीजी का हाथ जल गया है। अरे शिवी जरा सा तो जख्म है,
खाना परोसने से क्या बिगड़ जाएगा? मैं और प्रोमिला भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों नहीं वाणी, ये लो खाओ। बात को बढ़ने से पहले धानी बात काट कर खाना परोसने लगती है। तभी खाने का एक कौर खाते ही प्रोमिला खाने में खामी निकालने लगती है। अथू, अरे रसोई घर में दोनों आंखें मूंद कर खाना पका रही थी क्या? सारी की सारी सब्जी में मिर्च भरी हुई है और नमक का तो नाम ही नहीं है। इतना स्पाइसी खाने से हम दोनों बहुओं की ब्यूटी को बिगड़ने के लिए तुमने ये जाल बिछाया है ना, ताकि हमारा हजारों का किराया मेकओवर मिट्टी में मिल जाए। प्रोमिला के मुंह से ऐसा सुनकर रेवती गुस्से से लाल पीली होकर कहती है, क्यों री मेरी बैरन बहू, कहा था ना मैंने कि खाने में खामी निकली तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, हमने सब्जी में नमक डाला था, आप एक बार चक्कर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम झूठ बोल रही हैं? तुम दोनों गरीब को जरा सा ढील दे दो तो सर पर चढ़कर तांडव करने को हो जाती हो। अरे तुम दोनों की औकात तो ये झूठन मांझने की थी, जाने क्या काला जादू टोना किया जो मेरे बेटे बिन बताए तुम्हें ब्याह ले आए। खुद की शक्ल सूरत नहीं है इसीलिए मेरी अमीर बहुओं की सूरत बिगाड़ना चाहती हो। इस तरह रेवती रईस बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर अपनी गरीब बहुओं पर जुल्म ढाती रहती है। और फिर, माँ जी आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, आपकी दोनों बहुएं रईस घरों से ताल्लुक रखती हैं। आज हम 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं। अरे मेरी बहुओं, तुम दोनों का कहां मैं कैसे डाल सकती हूँ। प्रोमिला और वाणी की थाली का खाना खाकर खत्म करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद रेवती अपनी दोनों रईस बहुओं के साथ घर से निकल जाती है और धानी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, आखिरकार कब तक हम बहुओं का शरीर कोड़े का कौर बनता रहेगा। जीजी, अगर पहले ही दिन से हमने आवाज उठाई होती तो आज सासुमा और जेठानी जी की ज्यादती इस कदर न होती। ऐसा कहते हुए दोनों बहू बीते दिनों में चली जाती हैं। रेवती के 4 बेटे थे, जिसमें से 2 की शादी बड़े ही रईस घराने में हुई थी। शादी के बाद रेवती वाणी और प्रोमिला की सास बनी। बस एक बार विपुल और प्रणव की शादी भी ऊंचे खानदान में हो जाए तो जीवन सफल। रेवती अपनी रईस बहू के आगे ये गाथा गा ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर प्रणव और विपुल अपनी पत्नी के साथ आते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही रेवती बेटों को बीवियों के संग देखकर दंग रह जाती है। तभी बिगड़े हुए माहौल को देखकर अमीर बहुएं बातों के बाढ़ चलाने लगती हैं। ये लो माँ जी, विपुल और प्रणव ने तो आपकी सोच पर पानी फेर दिया, आपकी मन की मिठाई तो धरी की धरी रह गई। माँ, ये धानी है मेरी पत्नी। माँ, ये शिवी है मेरी पत्नी। माँ का आशीर्वाद लो शिवी। जैसे ही धानी और शिवी रेवती के पास आती है, गुस्से लहजे में वो बोलती है, दूर हट मेरे पास से, खबरदार जो मुझसे कोई नाता जोड़ने की कोशिश भी की तो। नहीं वे जी, आप दोनों अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में जाइए, माँ जी इस वक्त गुस्से में है। कुछ देर बाद, माँ जी ऐसी गुस्से से बनती बात भी बिगड़ जाएगी, अब जो होना था हो चुका। माँ जी, 1 या 2 दिन बाद देवर जी शहर चले जाएंगे, और वैसे भी इतने बड़े घर को साफ सुथरा रखने के लिए बाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो इन बैरन बलाओं को बाई बनाकर रख लेते हैं। सही कह रही हो बहू तुम। 2 दिन बाद रेवती के दोनों बेटे शहर रवाना हो जाते हैं। और फिर, ओह गरीब बाप की बेटियों, जल्दी से नीचे आओ। जी कही सासु माँ। तुम दोनों के पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई है। कमल को देखकर कीच की तरह मेरे बेटों से ब्याह रचाकर तुम इस घर की बहू तो बन गई। अब देखो, मैंने भी तुम्हें बाई बनकर ना तुम्हारी जात न बदल दिखाई, तो मैं भी रेवती नहीं। अब जल्दी से कपड़ों का ढेर उठाओ और धोने बैठ जाओ। माँ जी, खिड़की दरवाजे के पर्दे भी मैले हो चले हैं, इन्हें भी बदल कर धुलवा देना। और एक जरूरी बात, वॉशिंग मशीन को तो हाथ भी मत लगाना। माँ जी, जिठानी जी खड़ी खड़ी हमें हिदायत दे रही है और आप पुत बनकर खड़ी देख रही हैं। जो तुम्हारी जेठानी कह रही है चुपचाप उसे मानो, समझी। इस घर में शानो शौकत का हर सामान मेरी रईस बहू दहेज में लेकर आई है, जबकि तुम दोनों छुच्छे हाथ आई हो। उस दिन के बाद से बेचारी गरीब बहुओं को सास के सताव के साथ साथ जेठानियों की ज्यादतियां भी सहनी पड़ती।
रेवती का मन जीतने के लिए गरीब बहुएं उसका कहा कुछ भी नहीं टालती। उन्हें रोजाना सास के कहने पर वो जेठानी का झूठन ही खाने को मिलता। दोनों बहुएं फूट फूट कर रो ही रही थी कि अचानक उन दोनों के पति शहर से आ धमकते हैं। प्रणव, तुम आ गए? क्या बात है भाभी, शिवी रो क्यों रही है और आपका चेहरा इतना बेरंग क्यों है? प्रणव के पूछने पर धानी उसे सारी वारदात बताती है। तभी रेवती और अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर आ जाती है। खाना कितना मजेदार था ना? अरे विपुल, प्रणव, तुम दोनों कब आए? वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। हमारे पीठ पीछे आपने जो हम दोनों की पत्नियों के साथ किया है उसका कच्चा चिट्ठा सामने खुल चुका है। आखिर तुम दोनों बैरन बलाओं ने अपनी जात दिखा ही दी। माँ जी, इसके सिवा आपने हमारे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। पहले दिन से हम आपकी नजरों में स्नेह खोजते रहे, मगर लाख कोशिश के बाद हम आपको बदल न सके। माँ, अमीरी गरीबी की दीवारों के बीच आपने कभी इनके मन और इनके गुणों को देखा नहीं। हम जा रहे हैं, आप अपनी शानो शौकत के साथ खुश रहना। इस तरह रेवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और आखिरकार शिवी और वाणी आज अपने पति के साथ सास के सताव और अमीर बहुओं की बंधुआई से बच निकलती है। सास और जुड़वा बहुओं की किस्मत। मणिपुर के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के दो बेटे थे, एक शुभम और एक रौनक। दोनों बेटों की जुड़वा पत्नियां थी, यानी कलावती की दो जुड़वा बहुएं। लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। एक तो बहुत बड़े बंगले में रहती थी और दूसरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है। अरे अरे, देखो तो सही कैसे पी कर सो रहा है, जरा भी शर्म नहीं। इसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। माया का पति शुभम चारपाई पर टांग फैलाकर नशे की हालत में लेटा होता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अरे, देखो तो सही इस दारू वाले कीड़े को, किस तरह दारू के नशे में गाने गा रहा है, अभी इसे बताती हूँ। माया एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और सीधा शुभम के ऊपर उड़ेल देती है। अरे 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 अरे, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? अरे माया की बच्ची तू है, रुक साली कुतिया, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शुभम माया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक अभी बताता हूँ। अरे अरे शराबी नशेड़ी कहेंगे, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? एक तो गलती करता है और ऊपर से मुझे ही मारता पीटता है। माया भागते भागते अपनी बहन छाया के घर पहुंच जाती है। छाया का घर बहुत बड़ा होता है। तभी माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर छाया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे माया, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे घर के अंदर इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो? अब तू ही बता छाया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये आदमी रोज दारू शराब पीकर ऐसे ही पड़ा रहता है, ना तो नौकरी करता है ना मजदूरी पर जाता है, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आई बड़ी मेरी शिकायत लगाने वाली, तुझे क्या लगता है ये मुझे रोक लेगी? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे दारू पीऊं चाहे कुछ भी पीऊं, तुम दोनों जुड़वा बहने मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहाँ पर छाया का पति रौनक पहुँच जाता है और ये सब देखकर शुभम से कहता है। ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, हाँ क्या देख रहा हूँ मैं अपने घर में? आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई दरअसल माया मुझसे लड़ते लड़ते यहाँ आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। रौनक तुरंत शुभम को जोरदार तमाचा मारता है जिसके बाद शुभम जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर माया भी चुप हो जाती है। तूने शराब पी रखी है? आज अगर तुमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम ही किसी लायक नहीं हो, शुभम रोते हुए कहता है। अगर हम दोनों ने भी आपकी तरह थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उन दोनों की माँ कलावती आ जाती है जो उन दोनों से कहती है। देखो तुम दोनों मेरी बहू हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है और ये सब तुम दोनों के हाथों में ही था। जहाँ छाया ने अपनी किस्मत को चमकाया, वहीं दूसरी तरफ माया ने अपनी जिंदगी से माया को ही दूर कर दिया। सही कहा माँ जी, एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा।
और तो और मैंने छाया से ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मुझसे ज्यादा समझ छाया के अंदर है। उसने अपने हर फैसले बहुत सोच समझ के लिए। देखो बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। और शुभम जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब शराब और नशे में पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। छाया अपनी जुड़वां बहन माया से अमीर हो, लेकिन छाया माया से कम पढ़ी लिखी और कम एजुकेटेड होती है। आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो गरीब होती है? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लैला बहन, मेरा इस दुनिया में मेरी दोनों जुड़वा बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगी और भगवान की पूजा पाठ में लग जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर का और पैसों का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बांट दूंगी, ताकि वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक रिश्ता याद आया है। घर बार भी अच्छा है और दोनों लड़के भी अच्छे हैं। अरे बहन, तो देर किस बात की है, रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और मुझे उनसे मिलवाओ। लैला कलावती और सरोज को आपस में मिलवा देती है। सरोज को कलावती के दोनों बेटे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कलावती के बेटे शुभम और रौनक से करवा देती है। विदाई होते समय कलावती दो दो सूटकेस लेकर आती है, जिसके अंदर पैसा होता है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैंने अपना मकान और अपनी पूरी जायदाद आधी आधी तुम्हारे नाम कर दी है। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है, मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ और भगवान की सेवा मैं करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे माँ, इन सूटकेस में कितना पैसा होगा? दोनों सूटकेस में 5-5 लाख रुपए हैं। पैसों का नाम सुनते ही माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से छाया अपनी माँ से कहती है, माँ आपने सारा पैसा हमें दे दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? जरा अपने बारे में तो सोचती। देखो मेरी बच्चियों, इस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हें आने वाले कल में कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सरोज छाया और माया को विदा कर देती है। ससुराल जाने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी सास कलावती के घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की जिंदगी अच्छे खासी गुजरने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। शुभम और रौनक दोनों की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। अचानक से इस नौकरी छूटने के झटके ने मुझे हैरान करके रख दिया है, अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई, मुझे क्या चिंता, मेरी पत्नी के पास तो पूरे 5 लाख रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती, उन्हीं पैसों को चलाएंगे। तुम दोनों अपना देख लो। तभी छाया भी रौनक को अपने 5 लाख रुपए के बारे में बताती है, जिसके बाद रौनक बहुत खुश होता है और छाया से कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम खोल लें, ताकि आने वाले कल में हम किसी चीज को परेशान न हो। आप बिल्कुल सही सोच रही हो, नौकरी आज है कल नहीं, क्या फायदा नौकरी के भरोसे रहने का, और इतने पैसों से हम अच्छा खासा काम खोल सकते हैं। छाया और रौनक मिलकर दोनों एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव भर में उन दोनों का ढाबा मशहूर हो जाता है और एक ही साल में वो दोनों मिलकर 5 लाख का दोगुना कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम और माया दोनों 5 लाख रुपए की रोजाना शॉपिंग करते, अच्छा खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? आज अगर मैंने उन पैसों की इज्जत की होती, तो शायद मैं भी छाया की तरह अपने खुद के घर में ऐशो आराम से जी रही होती। माया दिन रात अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन लेकर शुभम शराब की लत में लग जाता है और सुबह शाम शराब पीकर अपना गुजारा करने लगता है, जिस बात से माया बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और ये झगड़ा छाया के घर तक पहुंच जाता है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकती, अब मेरा सब कुछ जा चुका है। अपनी जुड़वा बहन माया की ये बात सुनकर छाया को उसके ऊपर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो रौनक से कहती है, रौनक जी,
जैसा कि आप मुझे बताते थे आज वैसा ही हुआ है। ये दोनों अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मेरी मानो इन्हें एक मौका दे दो, शायद फिर ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कहती हो, आज तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना था और इन्होंने खुद, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें एक मौका दे दूं। रौनक तुरंत अपने कमरे में जाता है और 5 लाख रुपए सूटकेस में लाकर शुभम और माया को देते हुए कहता है, ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। वो समय तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस बार तुम उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती। आज अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो उसे गंवाना मत, और कुछ अच्छा करके दिखाना। शुभम और माया दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो कपड़ों के कारोबार से अच्छा खासा कमाने लगते हैं। कुछ ही समय में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल लेते हैं, जिसके बाद फर्श से अर्श पर आने में उन्हें देरी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। और एक दिन कलावती अपने दोनों जुड़वा बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, यही होती है इंसान की किस्मत और अकलबंदी। आज तुमने अपनी अकलबंदी से अपनी किस्मत चमकाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। उस दिन के बाद से छाया और माया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहू की गोद भराई। कमलापुर गांव में रहने वाली सरला का इकलौता बेटा था मोहित, जिसका आज ब्याह था। पूरा घर फूलों से लिपटा महक उठा था। घर का हर एक कोना लड़ियों की रौनक से जगमगा रहा था। सरला अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाते हुए कहती है, इस दूल्हे के लिबास में कितना जच रहा है मेरा लाल। सरला भावुक भावना से अपने बेटे मोहित की नजर उतारती है, जिसके बाद बारात दुल्हन के दहलीज पर पहुंचती है, जहां मंडप में पढ़े जा रहे वेद मंत्रों के साथ मोहित और मीनाक्षी का गठबंधन हो जाता है, जिसके बाद बारात दुल्हन को लिए वापस लौटती है, जहां सरला धूमधाम से अपनी नई नवेली बहू का स्वागत सत्कार करती है। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से भीतर बिखेर कर अंदर आ जा। जी माँ जी। घूंघट की आड़ में मीनाक्षी खुश मन से भीतर आकर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जी बहू, आज से 25 बरस पहले मैं यहाँ बहू बनकर आई थी, तो मेरे सास ससुर ने मुझे कहा कि ससुराल शासन का दूजा नाम है, मगर ये सास हर कदम पर तुझे शासन नहीं बल्कि तुझे आश्वासन देगी। बहू के प्रति सरला का भला आचरण देख मोहल्ले की सभी औरतें उसका बखान करने लगती हैं। मीनाक्षी भी सास की आशाओं पर खरी उतरती है। तकरीबन 2 महीने गुजरने के बाद, बहू तूने इस घर की बागडोर को एकदम बखूबी संभाल लिया है, अब जल्दी से इस घर का चिराग रोशन कर दे। सरला की बात अधूरी छोड़कर मीनाक्षी तेज कदमों से बाथरूम की तरफ दौड़ती है। कुछ देर बाद, बहू तू ठीक तो है? माँ जी, पिछले कुछ दिन से जी कच्चा सा हो रहा है, सर में भी भारी पनसा रह रहा है। मीनाक्षी को ऐसा कहता सुन सरला की आंखों में खुशियों की लड़ियां रोशन हो उठती हैं। और फिर, मुबारक हो बहू, तेरे पांव भारी हैं। अब तुझे अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि तेरी कोख में इस घर का वंश अपना अंश ले चुका है। माँ बनने की खबर सुनकर मीनाक्षी के कदम मानो जमीन पर नहीं ठहरते। गर्भावस्था के चक्र में सरला अपनी बहू के खान पान का विशेष ध्यान रखती है। देखते ही देखते मीनाक्षी गर्भावस्था के 8वें महीने के अंतिम दिनों में प्रवेश करती है, जिसे देख सरला कहती है, बहू तेरी गोद भराई करने का वक्त हो चला है, मुझे आज ही सारी खरीदारी निपटानी होगी। बहू की गोद भराई की खुशी में सरला 2 दिन पहले से ही घर की साज सज्जा में जुट जाती है और गोद भराई का दिन दस्तक देता है। बहू की गोद भराई की बहुत बहुत बधाई हो सरला। सभी औरतें चटकदार रंग में रंगी हाथों में अनेकों तोहफे थाम कर भीतर आकर कहती हैं, सिर्फ गोद भराई की खातिर इतनी साजो सज्जा, मेरी तो आंखें चकाचौंध रह गई, ऐसा जान पड़ रहा जैसे ब्याह का घर हो। कौशल्या काकी, गोद भराई के खातिर घर के हर एक कोने से लेकर इस पालने का एक एक फूल माँ जी ने अपने हाथों से सजोया पिरोया है। आखिरकार कुछ ही दिन के भीतर इस सजे हुए पलने में इस घर के नन्हे मेहमान की किलकारियां जो गूंजने वाली हैं। अरे सरला, संभाल खुद को, खुशियां तेरे आंखों के झरने से फूट रही हैं। सभी औरतें टोली में बैठकर गोद भराई का गाना बजाना शुरू करती हैं। अरे सरला, आगे बढ़कर गोद भराई की शुरुआत कर। सरला आगे आकर अपनी बहू की झोली में नारियल, मिठाई, गहने इत्यादि देते हुए उसकी नजर उतार कर कहती है, बहू ये सारे गहने इस हीरे के आगे फीका है जो तू इस घर को देने वाली है,
इस सास की आस तेरे कोख में बंधी है, दूधो नहाओ पूतो फलो। एक-एक सारी औरतें आगे बढ़कर गोद भराई को अंजाम देती हैं। सरला आगे बढ़ और बहू को झूला झुलाकर गोद भराई का आखिरी पड़ाव पूरा कर। सरला सजे झूले पर बैठी गर्भवती बहू मीनाक्षी को झूला झूलती है। तभी झूले की एक तरफा कड़ी टूटने के चलते मीनाक्षी मुंह के बल जमीन पर गिरकर कराहती हुई कहती है, आह माँ मेरा बच्चा। दर्द से चीखती हुई मीनाक्षी आंखें मूंद लेती है। सभी मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर मेरी बहू अब कैसी है? देखिए, आखिरी महीने में इतने तेज गति से गिरने की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। साफ तौर से ये कहना भी मुश्किल है कि भविष्य में वो कभी माँ बन पाएगी या नहीं। सारा दोष मेरा है। सरला संभाल खुद को, तू ऐसे सोब में डूबेगी तो बहू का क्या होगा। सरला दुखित मन से अपनी बहू को लेकर घर लौटती है, जहाँ सजावट निहारती हुई मीनाक्षी रोते बिलखते हुए कहती है, माँ जी कल यहाँ मेरी गोद भराई हुई थी और देख आज सब कुछ उजड़ गया। बहू संभाल खुद को, ऊपर वाले ने चाहा तो ये गोद भराई का मंजर फिर से दस्तक देगा। समय बीतता जा रहा था, दिन महीने और साल गुजरते जा रहे थे। एक सवेरे कादम्बरी सरला के पास आकर कहती है, सरला आज मेरी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम है, तुझे और बहू दोनों को आना है। कादम्बरी क्यों गोद भराई में बुलाकर मेरे जख्म ताजा करने पर तुली है? सरला भगवान पर भरोसा रख, उसके घर देर है अंधेर नहीं, देखना वो बहू की सूनी गोद के हरा जरूर करेगा। कादम्बरी के जाने के बाद मीनाक्षी कहती है, माँ जी जब हमारे घर गोद भराई थी तब कादम्बरी काकी हमारी खुशियों में शरीक हुई थी, उस नाते हमको भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक है बहू, हम चल लेंगे। दोनों सास बहू बेमन के साथ सज धज कर गोद भराई में शामिल होती हैं। कुछ ही पलों में गोद भराई की रस्म शुरू होती है। गोद भराई की धूमधाम, गीत, जैसे दोनों सास बहू का जख्म कुरेदने का काम कर रही हो। मानो जैसे मन ही मन सास बहू एक दूसरे के सवालों के जवाब देने लगती है। जानती हूँ बहू, ये गोद भराई भीतर ही भीतर तेरे मन को कचोट रही है। माँ जी काश उस रोज गोद भराई में वो हादसा ना होता तो आज मेरा लाल मेरे कोख से गोद का सफर तय कर चुका होता। मुझसे बात की आई सभी की बहुओं की गोद भराई हो रही है, मगर मेरी गोद अब तक सूनी है। दोनों एक दूजे को एक टक निहारती हुई फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी एकाएक मीनाक्षी स्तब्ध रुझान प्रकट करते हुए बेहोश हो जाती है। सरला उसे लेकर अस्पताल भागती है और कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब मेरी बहू को क्या हुआ है? अरे खुश हो जाइए सरला जी, एक बार फिर आपके घर में गोद भराई होने जा रही है। आपकी बहू 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। क्या सचमुच? सरला अपनी बहू को लेकर घर आती है और गर्भावस्था में उसका खूब ख्याल रखती है। गुजरते महीनों के अंतराल के साथ मीनाक्षी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है और सभी औरतें सरला के पास आकर कहती हैं, अरे सरला बहू के गर्भावस्था का अंतिम महीना लग चुका है, उसकी गोद भराई नहीं करेगी क्या? तुम तो जानती हो ना कौशल्या बहन कि इसी गोद भराई ने 5 बरस पहले क्या रंग दिखाया है, मगर गर्भवती स्त्री की गोद भराई करना जरूरी होता है। अगर फिर कोई ऊंच नीच हो गई तो मुद्दत बाद मेरी बहू की गोद भरी है। माँ जी मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई हो। देखिए एक बार फिर इस आंगन में मुरझाए फूल खिल उठे हैं। इस बार की गोद भराई में ये सास इस घर के साथ अपनी बहू को भी दुल्हन के जैसे सजाएगी। मोहल्ले की तमाम औरतें मिलकर एक बार फिर सरला के साथ मिलकर घर के कोने से लेकर बच्चे का पालना सजाती हैं और अपने हाथों से मीनाक्षी को सर से पांव तक सजाकर झूले पर लाकर बिठाती हैं, जहां कोई नाच कर कोई गा कर गोद भराई में 4 चांद लगा रहा था। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के बाद देर सांझ मीनाक्षी कहती है, आह माँ जी मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। हाँ बहू, मोहित बेटा गाड़ी निकाल। कुछ ही देर में तीनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां 2 घंटों के भीतर मीनाक्षी एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे की दादी कौन है? बच्चे की माँ ने कहा है कि बच्चे को सबसे पहले उन्हीं के गोद में देने को। ये लीजिए, तुझे पाकर इस बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। मेरे लाल आज बहू की गोद भराई सफल हो गई। इस तरह बहू की गोद भराई के सफर को दोहरी बार करने के बाद अंत में मीनाक्षी के सास की आस पूरी हो जाती है। 3 जादुई फ्रिज। विपुल अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, मैं और बाबूजी भट्टी पर काम करने जा रहे हैं।
अम्मा शाम को आते वक्त मेरे लिए बाजार से बिकने वाली ठंडी छैनी की मिठाई लेते आना। अम्मा सांझ को आते वक्त मिठाई जरूर लाएगी। ऐसा कहकर रमैया भट्टी की ओर बढ़ जाती है। रमैया और सारंग सवेर से सांझ तक ईंटों की भट्टी में भयानक तपिश को सहकर, बड़े ही चुनौतियों को सहकर दो वक्त की भूख का भोजन जुटाते हैं। देर सांझ दोनों जब भट्टी से घर लौट ही रहे होते हैं कि अचानक तेजी से आ रही एक ट्रेन से उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार दोनों बच्चों के सर से बड़ों का साया उठ ही जाता है। विपुल भैया, माँ बाबूजी हमको छोड़कर भगवान जी के पास क्यों चले गए? अब क्या उनके बगैर हम भी भूखे मर जाएंगे? अरे नहीं परी, तेरे भैया के रहते तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार करना। विपुल घनघोर जाड़े में ठिठुरता हुआ काम की तलाश में निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक अनाज के कारखाने में जाती है जहाँ का मालिक मक्खन सिंह होता है। सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए। अरे बच्चे, होशो हवास में तो है तू? तुझसे काम करवा कर मुझे बाल मजदूरी के केस में अंदर जाना है क्या? हाँ? चल। ऐसा ना कहिए सेठ जी, मेरी छोटी बहन भूख से बिलबिला रही है। दो दिन से उसके पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। विपुल को ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर मक्खन सिंह भाव विभोर होकर उसे काम दे देता है। बहन की भूख के चलते विपुल अपने बलबूते से बढ़कर भार उठा रहा था। वो अनाज की बोरी उठाकर उसे गोदाम में रखता है जिसके बदले उसे 50 रुपए मिलते हैं। शुक्रिया सेठ जी, अब मुझे परी के लिए खाना लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद, देखो परी, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गए हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अपनी भूख मार कर विपुल सारा खाना परी को खिला देता है। अरे भैया, खाना तो बहुत ही लाजवाब था, मजा आ गया। समय गुजरता है। विपुल को जब काम के अवसर दिखते तो मेहनत मजदूरी करके मिले हुए चंद पैसे से परी का पेट भरता और काम ना मिलने पर मंदिर से भीख मांगकर उसे खिलाता। फिर एक दिन, भैया आपको पता है मेरी सहेली रूपल के घर फ्रिज है, वो रोजाना स्कूल में ठंडा ठंडा पानी पीकर मुझे ललचाती है, काश कि हमारे पास भी फ्रिज होता। ये सुनकर विपुल मन में कहता है, मेरे पास तो खाने को भी एक फूटी कौड़ी नहीं होती, ऐसे में मैं अपनी बहन की फ्रिज की ख्वाहिश को कैसे पूरा कर पाऊंगा, बात को बदलना ही बेहतर है। चलो परी, आज हम दोनों भाई बहन गेंद खेलते हैं। दोनों भाई बहन गेंद खेलने लगते हैं। तभी अचानक तेज रफ्तार से गेंद एक घर में जा गिरती है। भैया, हमारी गेंद तो उस घर में जाकर गिर गई, अब हम कैसे खेलेंगे? परी, इसमें चिंता की क्या बात है, चलो हम उस घर में चलकर अपनी गेंद खोज लाएंगे। दोनों भाई बहन जैसे ही बंद पड़े घर के भीतर आते हैं तो दीवार के किनारे उन्हें नीले, पीले और लाल रंग के 3 फ्रिज रखे दिखाई देते हैं। इस घर के भीतर तो धूल ही धूल है, कितने बरसों से बंद पड़ा है। भैया ये देखो, यहाँ तो हूबहू वही फ्रिज है जैसा रूपल के घर था। परी, फ्रिज का रख रखाव करने वाला कोई नहीं, इसको अपने घर ले जाते हैं। इस तरह दोनों भाई बहन एक दूसरे की मदद से तीनों फ्रिज को अपने घर ले आते हैं। चलो परी, अब हम दोनों मिलकर इन तीनों फ्रिज को साफ करते हैं। हाँ भैया, ठीक है। दोनों भाई बहन के बलबूते तीनों फ्रिज एकदम चकाचक हो जाते हैं और परी आटे की रोटी बनाती है और दोनों भाई बहन खाना शुरू करते हैं। भैया मेरा पेट भर गया, अब ये रोटी आप खा लीजिए। परी, मेरा पेट भी पूरी तरीके से टंच हो गया है। तो फिर इस बच्चे खुचे खाने को बर्बाद करने से बेहतर इसे फ्रिज में रख देते हैं। परी बची खुची रोटियों को पीले रंग की फ्रिज में रख देती है जिसके बाद दोनों भाई बहन सो जाते हैं। सूरज की लालिमा सर चढ़ आने पर दोनों भाई बहन जाग कर काम काज करते हैं। आज तो मुझे बड़ी सवेरे सवेरे ही भूख का एहसास हो रहा है, एक काम करती हूँ, फ्रिज में रखी रोटियाँ खा लेती हूँ। जैसे ही परी फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि वो रोटी सोने में बदल चुकी है। ये रात की रखी रोटी सोने की रोटी बन गई है, कहीं ये जादुई फ्रिज तो नहीं? अचानक पीले रंग के फ्रिज से एक आवाज बाहर आती है। तुमने एकदम सही पहचाना परी, हम तीनों जादुई फ्रिज हैं। चलो परी, हम इस जादुई फ्रिज में कुछ रख कर देखते हैं जिसे पता चले कि जादुई फ्रिज है भी या नहीं।
विपुल नीले रंग के फ्रिज में सब्जी से भरी टोकरी और परी लाल रंग के फ्रिज में साधारण रोटी रखकर जब कुछ देर बाद उसे दोबारा खोलते हैं तो फ्रिज की हरी सब्जी हीरे में और परी की रखी हुई रोटी पैसे में बदल जाती है। देखो परी, ये तीनों तो सचमुच में हीरा, सोना और पैसे देने वाली जादुई फ्रिज है। ए जादुई फ्रिज, हमें अपनी पुख्ता पहचान दो। अचानक तीनों जादुई फ्रिज हीरे, सोने और पैसे के फ्रिज में बदल जाता है और दरवाजे के भीतर कुछ खनकने लगता है। अरे परी, इस पीले रंग के फ्रिज से सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही दोनों भाई बहन फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो तीनों फ्रिज से बेशुमार हीरा, पैसा और सोना बरसने लगता है, जिसे देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तो कमाल हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के, हीरे और पैसे एक साथ, ऐसा भी होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। जानती हो परी, इनका मूल्य मूंगों से बढ़कर है, इन्हें बेचकर हमारे जीवन की काया पलट हो जाएगी और इससे हमारी मड़ई महल में बदल जाएगी। मैं आज ही इन्हें भले दाम में बेच कर आऊंगा। विपुल सारे सोने को सुनार हीरे को जौहरी के हाथ बेच देता है, जिसके बदले में उसे बहुत आयत पैसे मिलते हैं। अब दोनों भाई बहन आलिशान से घर की नींव रखकर रहने लगते हैं। फिर एक दिन, परी, इन तीन जादुई फ्रिज ने हमें घनघोर गरीबी और कमी घटी से उबारा है, क्यों ना हम फ्रिज की एक थोक दुकान खोलकर अपनी भुजाओं के बलबूते भूख मिटाएं। हाँ भैया, आपकी सोच तो बड़ी बेहतर है, और इस जादुई फ्रिज से हम गरीब की मदद करेंगे। दोनों भाई बहन अपने इस सोच को साकार करते हैं। धीरे धीरे सफलता उनकी दुकान के कदम चूमने लगती है। इस बीच दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। परी, वक्त आ चुका है जब हमें अपने व्यापार को बेहतर आयाम देना चाहिए। हमारे पास तो तीन जादुई फ्रिज हैं, जिसे हम कभी भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्यों ना हम फ्रिज बनाने का कारखाना खोल ले, उससे बेरोजगारों को काम के अवसर मिलेंगे। हाँ भैया, अगर हम भाई बहन के इस कदम से किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है तो ये बड़े आनंद की बात है, मगर इसके लिए हमको बहुत आयत पैसे चाहिए। जब जादुई तीन फ्रिज है पास तो चिंता की क्या है बात, हमारे जादुई फ्रिज हमारी मदद करो ताकि हम गरीबों और लाचार लोगों तक तुम्हारा लाभ पहुंचाएं। तीनों जादुई फ्रिज एक साथ चमक उठते हैं, जिसके बाद उनके बंद दरवाजों से तेज ध्वनि फूट पड़ती है। जैसे ही दोनों भाई बहन दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज के दरार पैसे, सोने, हीरे से भरपूर होते हैं। हमारी मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हाथ बढ़ाने के लिए तुम तीनों जादुई फ्रिज का तहे दिल से शुक्रिया। अब इन तीन जादुई फ्रिज के मदद से हम फ्रिज बनाने का बड़ा कारखाना खोलकर बेरोजगारी को खत्म करेंगे। इस तरह तीन जादुई फ्रिज होने के बावजूद दोनों भाई बहन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते। आज जादुई तीन फ्रिज की बदौलत वो दोनों न सिर्फ गरीबी के दलदल से बाहर उबर आए, बल्कि साथ ही कितने गरीब परिवार का गढ़ बनकर उनकी मदद करते हुए उन्हें ये सिखला रहे हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।